नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर रीनीट हुआ तो आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस चैनल पर मिलेंगे। और देखिए, अब जो है सीबीआई की जांच जो है नीट लीक पेपर में बिहार से लेकर के राजस्थान तक पहुँच गई है। और यही नहीं, अब ये क्या कहते हैं कि महाराष्ट्र के लातूर तक भी काफ़ी अरेस्ट हुआ है। और क्या देखिए, इन सब मामलों को सीबीआई सुलझा पाएगी कि नहीं पाएगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। और सारा इनकी जो तफ्तीश है वो एक एक कैंडिडेट को लेकर के हो रही है, और इसमें नए नए नाम आने वाले टाइम में मिलेंगे आपको। अभी तो फ़िलहाल संजीव मुखिया और एक रवि यत्री है, ये दोनों इसके मास्टरमाइंड माने जा रहे हैं। यही दोनों लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेपर को ऑल ओवर इंडिया में हर जगह व्हाट्सएप के थ्रू फैलाया है। हमें ये नहीं पता कि हमारे देश की जनता मूर्ख है या समझदार है, लेकिन ये पता है कि जो हमारे देश के 24 लाख अभ्यर्थी हैं, जो बच्चे हैं, वो पूरी तरह से निर्दोष हैं। और उनके इस मामले को एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर प्रत्यारोपण कर रही है, और शायद जिनका पूरा का पूरा खानदान भ्रष्टाचार में लिप्त था वो आज हमें इसकी नसीहत दे रहे हैं। जो नाम है वो जुड़ गया है। साफ तौर से अगर बात करें तो इस बार एक नया नाम जो है वो रॉकी का आया है, जो कि चुटिया थाना क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट संचालक है। आरोपी रॉकी बिहार के नवादा जिले का रहने वाला बताया जाता है। सूत्र बताते हैं कि चिंटू को 5 मई की सुबह प्रश्न पत्र मिल गए थे, मोबाइल पर पीडीएफ फाइल भेजी गई, गिरोह के अभ्यर्थियों के लिए ड्रॉप प्वाइंट भी बनाया गया था। प्रश्न पत्र लीक कांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे रहस्य के परत भी खुल रहे हैं। पुलिसिया जांच में बड़ा अपडेट ये आया है कि प्रश्न पत्र अहमदाबाद से हजारीबाग पहुंचा, हजारीबाग के बैंक से स्कूल जाने के दौरान टेम्परिंग की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि महज 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.5 घंटे का समय कैसे लग गया, ये बड़ा सवाल है। यही नहीं, प्रश्न पत्र के ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी लापरवाही भी बरती गई। सूत्र बताते हैं कि कुरियर सर्विस ऑफिस से बैंक तक प्रश्न पत्र पहुंचाने में ई रिक्शे की मदद ली गई थी। बात केवल बिहार झारखंड तक ही सीमित नहीं है, नीट पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र से पहली गिरफ्तारी भी की गई है। लातूर पुलिस ने जलील खान पठान को गिरफ्तार किया है। जैसे जैसे नीट पेपर लीक कांड की जांच बढ़ रही है वैसे वैसे ये सवाल भी गहराता जा रहा है कि क्या नीट परीक्षा की प्रक्रिया क्लीन हो पाएगी। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उनके भर्म जाल में पड़ी नहीं, जनता उनको सबक सिखा दी, जनता जान गई और जनता ने जनादेश हमारे एनडीए नेता के पक्ष में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चेहरा पर जनता ने वोट दिया। क्राइम और करप्शन पे जवाब बोलते हैं ना, या आपके परिवार से कोई बोलता है तो ऐसा ही लगता है जैसे लोमड़ी कह रही हो कि मक्कारी मत करो। करप्शन को लेकर के आप सवाल खड़ा करना तो करने के लिए विपक्ष के लोग है करेंगे, लेकिन खुद ही जो लोग सर से पांव तक कथा कथित रूप से चिंटू, पिंटू, रॉकी, संजीव मुखिया, रवि अत्री, ये वो नाम हैं जिन्होंने नीट पेपर को पूरी तरह से बेकार कर दिया। इन्होंने 23 से 24 लाख बच्चों को फिर दोबारा पेपर देने पर सोचने पर मजबूर कर दिया। कब सुनने में आता है कि रॉकी कोई एक रेस्टोरेंट चलाता है, और ये सारे मिल करके चिंटू ने पेपर को व्हाट्सएप पर लिख कराया, और ये सारे के सारे लोग मिल करके क्या कहते हैं कि 30 से 35 बच्चों का टारगेट लेकर के उन्हें पेपर के एक दिन पहले 4-5 घंटे पूरा पेपर रटवाए और फिर आकर के सेंटर पर बच्चों को अपने आप छोड़े। तो क्या हम ये मान लें कि बच्चों के भविष्य की चिंता किए बगैर एक दूसरे के ऊपर जो छिटाकसी हो रही है राजनीतिक रूप से, क्या वो आने वाले बिहार के चुनाव के मद्देनजर हो रही है। अगर ये हो रही है तो आप खुद सोचिए हमारा देश कहाँ जा रहा है। अगर एक साल में इतने बच्चे या कुछ मान ली कथाकथित बच्चे डॉक्टर के रूप में आएंगे तो नीट परीक्षा में हुई धांधली की जांच अब सीबीआई कर रही है।
जांच की रफ्तार जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सियासी तीर भी तेजी से चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले 20 जून को बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव के पीएस और मुख्य आरोपी सिकंदर यादवेंदु की नजदीकियों को लेकर सवाल पूछा था। तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार एनएचआई गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। तो इसके अगले ही दिन 21 जून को आरजेडी की ओर से सोशल मीडिया पर आरोपी अमित आनंद के साथ सम्राट चौधरी की तस्वीर जारी कर पलटवार किया गया। वार पलटवार के बीच अब सोमवार को आरजेडी नेता मनोज झा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया और उनकी पत्नी को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। नीतीश कुमार से इनकी नजदीकियों का आरोप लगाते हुए मनोज झा ने संजीव मुखिया के कई एनडीए नेताओं के साथ संबंध का भी आरोप लगाया। इनकी पत्नी जदयू की बड़ी नेत्री है, चुनाव लड़ चुकी है, ये आपके समक्ष तस्वीर है, कई बड़े बड़े नेताओं के साथ, कितनों के नाम लो। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो किंग पिन है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है? आरोप प्रत्यारोप के बीच में हमें इतना तो विश्वास करना होगा कि मामले की जांच हो रही है और सीबीआई और ईयू की टीम लगी हुई है, और मुझे 100% विश्वास ये नहीं छोड़ेंगे। पेपर लीक वाले मामले में एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि पेपर के मेन किंग पिन को कौन बचा रहा है और इस पेपर लीक मामले से किस पार्टी का राजनीतिक फायदा होने जा रहा है। अब तो सबसे हंसी की बात यह है और मज़ेदार बात यह है कि सबूत के नाम पर एक पार्टी दूसरे पार्टी के लोगों का फ़ोटो भी जारी कर रही हैं किंग पिन का, कि ये फ़ोटो ये किंग पिन के साथ है, इसमें बीजेपी भी पीछे नहीं है, आरजेडी के लोग भी हैं। और कहने में आ रहा है कि जो दो लोगों को जो सर्किल में आप देख रहे हैं, ये संजीव मुखिया की फैमिली है जो कि नीतीश कुमार के साथ कहीं फ़ोटो खिंचवाई है। तो सीबीआई और ईयू को इससे स्ट्रांग सबूत क्या चाहिए? मुझे आशा है कि इन सबूतों को मद्देनज़र रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई और ईयू एक ऐसा डिसीजन लेंगे जो आने वाले समय में बेमिसाल होगा। नहीं जानता है, ये तो तेजस्वी परिवार से जुड़ा हुआ उनके सहायक का मामला आया है। आप जो भी बच्चे से खिलवाड़ कर रहा है, बच्चे के भविष्य से उस छोरे नहीं जाएंगे। तो हमारे सर्वमान नेता माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार के नेता हैं, तो जन सुनवाई करते रहते हैं, जनता की समस्या सुनते रहते, तो उस बीच में कोई आया होगा, फोटो खिंचवा लिया होगा।